रेडी स्टार्ट। भारतीय न्यायिक प्रणाली में विचाराधीन कैदी भारतीय जेलों में बंद अधिकांश कैदी वे हैं जो अपने मामलों में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी वे विचाराधीन कैदी हैं और उन्हें निर्णयन तक की अवधि के लिए बंद रखा जाता है। अधिकांशतः आरोपितों को जेल में एक लंबी सजा काटनी पड़ती है। उनके दोषी सिद्ध होने पर दी जा सकने वाली सजा अवधि से अधिक समय के लिए और न्यायालय में स्वयं का बचाव करने से संबद्ध लागत, मानसिक कष्ट और पीड़ा वास्तविक दंड काटने की तुलना में अधिक महंगी और पीड़ादायी सिद्ध होती है। नियुक्ति और भर्ती में देरी न्यायिक पदों को आवश्यकता अनुसार यथा शीघ्र नहीं भरा जाता है। 135 मिलियन आबादी के देश में लगभग 25,000 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रिक्तियां हैं, जबकि और निचली अदालतों में करीब 35% पद खाली पड़े हैं। CJI की नियुक्ति में पक्षपात और भाई भतीजावाद, चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं है, भाई भतीजावाद और पक्षपात आम है। इसके कारण न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव है, जो विधि व्यवस्था को विनियमित कर सकने की देश की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अलावा वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, जो सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार के चयन का कारण बन सकता है। प्रतिनिधित्व की असमानता चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायालय की संरचना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से कम है। 1.7 मिलियन पंजीकृत अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत मात्र 11.5 है, जबकि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 33 कार्यरत न्यायाधीशों में से मात्र 4 ही महिला न्यायाधीश हैं। आगे की राह में नियुक्ति प्रणाली में सुधार, रिक्तियों को तुरंत भरा जाना चाहिए। या आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और अग्रिम सुझाव देने के लिए एक उपयुक्त समय रेखा स्थापित की जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो निर्विवाद रूप से भारत को एक बेहतर न्यायिक प्रणाली विकसित करने में सहायता कर सकता है, वह है एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करना। जांच प्रक्रिया में सुधार करके भारत में एक सक्रिय जांच अन्वेषण नीति का अभाव है, जिसके कारण कई निर्दोष लोग गलत तरीके से आरोपित किए जाते हैं और दंडित होते हैं। भारत सरकार को न्याय प्रणाली में सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए एक जांच नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जो प्रभावी, सक्रिय और व्यापक हो। न्याय के लिए नवोन्मेषी समाधान, लंबित मामलों की भारी संख्या के समाधान के लिए केवल अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए नवोन्मेषी समाधानों की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मेटावर्स प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी नागरिक मामलों का समाधान, डेटा स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग, कार्य प्रवाह के सरलीकरण के लिए IT समाधानों की खोज। स्टॉप।